हमारे जो है सिंटैक्स में आपको डिपोजिशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। डिपोजिशन इसको न लिखाने की जरूरत है न बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है। हिस्ट्री की चैप्टर को आपने क्लास हाई स्कूल में पढ़ा है। प्रीपोजिशन बहुत कॉमन चीज़ होती है, बेसिक कक्षाओं में भी पढ़ाया गया है, जूनियर में भी। व्हाट इज प्रीपोजिशन सभी लोग जानते हैं। प्रीपोजिशन में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए आता है। आपको जज करना है पूरे वाक्य में क्या गलती है। नोटिस करें, फर्स्ट सेंटेंस है सी जंप इन द पार्ट। जब कोई गतिमान चीज किसी के अंदर जाती है तो इन का प्रयोग नहीं होता है, इनटू का होता है। तो ये त्रुटि आप सही करें, आपका सेंटेंस हो जाएगा सी जंप इनटू द पार्ट। इस गलती पर आपका सेंटेंस हुआ, कुछ याद रखें। अगला देखें, बिसाइड हर चिल्ड्रेन सम स्टूडेंट्स वर आल्सो देयर। प्रीपोजिशन बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स नॉट बिसाइड। बिसाइड माने तो बगल में होता है, और बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, इसलिए यहाँ बिसाइड्स आना चाहिए। ये आपका प्रीपोजिशन बन गया बिसाइड्स हर चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स वर आल्सो देयर, आल्सो देयर। इस गलती पर ये आपका सिंटैक्स बनता है। थ्री नंबर में आइए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम टू आवर्स। जूनियर कक्षाओं में भी आपको पास्ट सेंस का प्रयोग पढ़ाया गया, हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया कि निश्चित अवधि के लिए सेंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित के लिए फॉर का होता है। ये टू आवर्स निश्चित नहीं है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम और सेंस एक जैसे होते हैं। तो ये आंसर आपका बनता है आई हैव बीन waiting for you after दोबारा लिखा for two hours। यही इसमें मेन गलती थी, यही प्रीपोजिशन मिस्टेक थी, इसी को ठीक करना सिंटैक्स में लाता है। बहुत पॉइंटेड चीज है कि जो टू इन माई वॉच, ये आपकी इंटर की कक्षाओं में भी आता है और कंपटीशन भी बहुत आता है। इट इज टू इन माय वॉच, तो ये समय बताने के लिए इन का प्रयोग नहीं करते हैं, वाई का करते हैं। इट इज टू बाई माई वॉच, इट इज टू बाई माई वॉच। ये प्रीपोजिशन की मिस्टेक थी जिसे सही करना था। ये चैप्टर आपका जाना नहीं है, जाना पहचाना है, पहले भी पढ़ते आए हैं, उन्हीं का रिविजन करना है, इसलिए रोल डिक्लेरेशन नहीं लिखना आपको, केवल समझना है अच्छी तरीके से। तो इट इज टू बाई माय वॉच। फिफ्थ नंबर में देखिए, वी आर ऑपरेंड फ्रॉम थी, ऑपरेंड के बाद प्रीपोजिशन आप आता है, ये उन्होंने फ्रॉम लगाया है, यही गलती है। We are afraid of heat. We are afraid of heat. Sixth number में देखिएगा, now it is I am short in money. और ये भी याद रखना, इंटर की बोर्ड परीक्षा प्लस कंपटीशन दोनों के लिए प्रीपोजिशन को कुछ हद तक लर्न भी करना है कि कौन से शब्द के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। जैसे ऑपरेंड के बाद फाउंड के बाद और शॉर्ट के बाद आपका प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका नाउ इट इज आई एम शॉर्ट ऑफ मनी होना चाहिए, शॉर्ट इन मनी। नाउ
is I am short of money. ये इसमें गलती थी. Now today I am short of money. Last देखिएगा, you are eligible to the post. Eligible के बाद था का प्रयोग होता है, जो इसमें to आया है यही गलत है. You are eligible for the post. You are eligible for the post. You are eligible for the post. यानी eligible के बाद are का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है, यही इसमें गलती थी. इसी प्रकार समझते हुए ये एक्सरसाइज 75 या आपके पास जो भी प्रीपोजिशन संबंधी एक्सरसाइज हो उसको आप हल करें, आसानी से आ जाएगी, क्योंकि पहले से रिलेटेड एक्सरसाइज है. थैंक्स.